ना तो पीएम मोदी की कॉमेडी काम आई। दीदी ओ दीदी दीदी ओ दीदी ममता दीदी, ना समय पर देश के अस्पताल संभालने की बजाय विशाल रैलियों का आनंद काम आया। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपका सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूँ। ना बाबुल सुप्रियो और लोकेट चटर्जी जैसे सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारना काम आया। ना मिथुन चक्रवर्ती का कोबरा अवतार काम आया। ना कोरोना की वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बनाना काम आया। और मतगणना के 2 घंटे में ही पिक्चर साफ हो गई कि टीएमसी लगातार तीसरी बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। बंगाल चुनाव की हार पीएम मोदी के लिए साधारण हार नहीं है, क्योंकि देश के लिए बेहद असाधारण हालात में देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के मैदान में मोर्चा संभालने की बजाय चुनावी मैदान में मोर्चा संभाले रखा, जिसकी वजह से दुनिया भर की मीडिया में उनकी बदनामी हुई और हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं का मजाक बन गया। अगर प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में रैलियां करने की बजाय देश को बचाने की कोशिश करते तो चुनाव हार कर भी देश का दिल जीत जाते। लेकिन जिस वक्त अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लगी थी, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बंगाल की रैली में भीड़ देखकर आनंदित हो रहे थे और इतिहास रचने का दावा कर रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में और विशेष करके माताएं बहने और माताओं बहनों का जुस्सा भी गजब है। आपका ये उत्साह, ये उमंग, ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत है भाई। लेकिन अफसोस कि बंगाल में बीजेपी के प्रचार मंत्री के रूप में मोदी सरकार बनाने का इतिहास नहीं रच पाए और इतिहास में ये भी दर्ज करा दिया कि जब भारत के लोग सांसों का संघर्ष कर रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी संघर्ष में पूरी ताकत झोंक दी।